नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के इस भाग में अपने क्या है सल्तनत का विस्तार का आगे का भाग पढ़ेंगे और साथ ही क्या है खिलजी में तुगलक प्रशासन किस प्रकार का था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, हमने देखा था कि जो दिल्ली सुल्तान थे या दिल्ली सल्तनत के शासक थे, उनका शासन सिर्फ क्या है दिल्ली के आसपास के शहरों तक ही बना हुआ था। वो दूर बंगाल या सिंध जैसे क्षेत्रों में गैरीसन नगरों को भी नहीं संभाल पा रहे थे, उनका वहाँ पर भी नियंत्रण नहीं था। इसके पीछे कारण क्या था? कारणों का इसके पीछे कारण ये थे, एक तो भौगोलिक स्थिति, यानी वो जो शहर थे या क्षेत्र थे वो दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर, बीच में मौसम तथा शीतला कृतियों का अड़चन बनना, इन सभी कारणों के कारण वो क्या है उन क्षेत्रों पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र थे उनमें खराब मौसम से संपर्क नहीं हो पाता था। थोड़े से खराब मौसम होते ही क्या है वहाँ जो संपर्क था वो छिन्न भिन्न हो जाता था। इतने दूर के क्षेत्र में क्या है बगावत को रोकना या उसकी सूचना मिलना भी क्या है बहुत दूर की बात थी, यानी बहुत मुश्किल बात थी। और इसी कारण से क्या है वहाँ पर समय समय पर क्या है बगावत होती रहती थी और वो क्षेत्र क्या है शासकीय नियंत्रण से बाहर होते रहते थे। इसके अलावा जो हमलावर थे अफगानिस्तान से जो हमलावर थे आक्रमणकारी थे वो भी क्या है इन क्षेत्रों पर अपनी नज़र बैठाए हुए थे और वो भी क्या है समय समय पर हमले करते रहते थे, जिसके कारण शासकों का उन क्षेत्रों पर नियंत्रण करना साथ ही साथ अपनी सत्ता को संभालना भी क्या है कई बार मुश्किल में हो जाता था। और क्या है जरा सी क्या है सूबेदार जो बराबर की चुनौती मिलती रहती थी, जिसके कारण क्या है थोड़ा सा कमजोरी का आभास होते ही, यानी जब शासक सूबेदार लगभग बराबरी के हो जाते थे तब शासक के थोड़ी सी कमजोरी के आभास पर या शासन बदलने के समय सूबेदार क्या स्वयं क्या कर देते थे तख्ता पलट कर देते थे या स्वयं को शासक घोषित कर देते थे, जिसके कारण क्या है ये सभी क्षेत्र जो नियंत्रण के अंदर स्थापित होने वाले थे उन पर क्या है समय समय पर इस प्रकार की समस्याएं आती रहती थी। तो सल्तनत को बचाए रखना भी क्या है शासकों के लिए एक चुनौती का स्वरूप बना हुआ था। इसका संस्थापन ग्यासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ, जिसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार की स्थापना बलबन के समय में हुई और इसका विस्तार स्थापना क्या है बलबन के समय में हुई और इसका संपूर्ण विस्तार क्या है अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश के मोहम्मद तुगलक के समय इसका विस्तार क्या है लंबे समय तक या लंबे क्षेत्रों तक क्या है होता रहा। अभी देखते हैं कि इनका विस्तार ये क्षेत्र कैसे करते हैं। सल्तनत की भीतरी सी सीमाएं थी में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरीसन नगरों की पृष्ठभूमि में स्थिति भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, यानी ये जो गैरीसन नगर बनाए जा रहे थे इनके अंदर की स्थिति को पहले मजबूत करना चाहते थे। यानी शासक अब ये चाहते थे कि अगर हमला होता है या गैरीसन नगर उनकी सुरक्षा का सवाल आता है तो गैरीसन नगर स्वयं की सुरक्षा स्वयं ही संभाल सके, इस प्रकार का वो प्रयत्न कर रहे थे शासक अभी। यानी उन्होंने क्या है गंगा यमुना
दुआब के पास क्या है, इस प्रकार के नगरों की स्थापना शुरू की। इन अभियानों के दौरान क्या है, गंगा यमुना दौरान के दुआब के जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी जो थे या चरवाहे थे उनको वहाँ से भगा दिया गया या हटा दिया गया। और यहाँ पर क्या है, गैरीसन नगर की स्थापना की गई। गैरीसन नगरों की स्थापना की जाने लगी। इसके पीछे कारण क्या था, ताकि उस जमीन को क्या है किसानों को दे दिया जाए, जमीन किसानों को दे दी जाए, किसानों को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और वह क्या है अपनी जमीन के द्वारा उपज पैदा कर सकते हैं। और उस उपज के ऊपर क्या है, एक तो शासकीय कर लगता था और उस उपज का उपयोग क्या है सैनिकों के रसद के काम में या रसद की पूर्ति हेतु किया जाता था। रसद का मतलब हो गया खाद्य सामग्री के पूर्ति के हेतु के लिए किया जाता था। साथ ही साथ क्या है, व्यापारी मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर गैरीसन नगर और शहर यहाँ पर क्या है बसा दिए गए आसपास में। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, यानी यह क्या था, पहला विस्तार हो गया। दूसरा विस्तार क्या है, दिल्ली सल्तनत के बाहरी सीमा पर हुआ, यानी गंगा दुआब तो क्या है दिल्ली सल्तनत के अंदर की सीमा थी। बाहरी सीमा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। इन अभियानों में सल्तनत के सेनाओं ने हाथी घोड़े गुलाम मूल्यवान धातुओं आदि पर क्या है कब्जा कर लिया। यानी दूसरे विस्तार के समय क्या है, दक्षिण भारत में सैनिक अभियान में सैनिक अभियान शुरू किए गए, जिसमें शुरुआत तो क्या है अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरुआत की जाती है। मोहम्मद तुगलक क्या है, तुगलक अपने समय में यह चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, ये जो सैनिक अभियान थे वह, ताकि क्या है दिल्ली के पास के क्षेत्रों के अलावा सुदूर क्षेत्रों पर भी क्या है वो अपना नियंत्रण प्रभावी रूप से कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या है इस प्रकार के अभियानों की शुरुआत की। दिल्ली सल्तनत के जो सेनाएं थी वो शुरुआत में अपेक्षाकृत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन लगभग 150 सालों के बाद क्या है, यानी शुरुआत में जब क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश शासक थे तब क्या है सेना बहुत कमज़ोर थी, लेकिन 150 सालों के लगभग बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का विशाल क्षेत्र युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी वो सेनाएं जो थी वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय लगभग ये जो पूरा क्षेत्र था दक्षिण भारत का, इधर पूर्व भारत पश्चिमी भारत जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों पर क्या है ये सैनिक अभियान सुचारू रूप से होने लगे थे। यानी सैनिक प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है बहुत ज़्यादा सुधार किए गए। इसके सूबेदार प्रशासक क्या है मुकदमों के फैसले सुनाते थे, साथ ही किसानों से क्या है टैक्स भी वसूल किया करते थे। यानी जो सूबेदार होते थे, यानी किसी जगह का जिसको लीडर घोषित कर दिया जाता था शासक के रूप में, एक अनियमित शासन के रूप में जिसको नियंत्रित नियुक्त किया जाता था वह सूबेदार होता था, सूबा यानी जिला एक प्रकार से। तो उस सूबेदार जो लोग थे या इसके जो सूबेदार होते थे वो क्या करते थे, एक तो प्रशासकीय मुकदमे का फैसला सुनाते थे और साथ ही साथ वो क्या करते थे कर वसूल किया करते थे। कर वसूलना उनका कार्य होता था, जिस कर का इस्तेमाल वो सैनिकों को क्या है तनख्वाह देने के रूप में, अपने राजा को भेंट स्वरूप उपहार देने के रूप में वो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अभी देखते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी है
और मोहम्मद बिन तुगलक है वो किस प्रकार की सुधार करता है अपने प्रशासनिक व्यवस्था में, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना खिलजी और तुगलक वंश के समय जो प्रशासन था वो किस प्रकार का था। इसमें हमने ये देख लिया कि किस प्रकार के कार्यों के द्वारा वो क्या है इस्तेमाल किया करते थे इन सभी चीज़ों का, या इन नीतियों का उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो संपूर्ण भारत पे एक तरह से क्या है नियंत्रण स्थापित कर सके। अभी देखते हैं खिलजी व तुगलक वंश के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत के शासक बनते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या अल्तुतमिश, उन्होंने क्या है अपने परिवार से ज़्यादा अपने गुलामों पर विश्वास किया और उन्हें क्या है प्रशासनिक उपाधियां या प्रशासनिक पद क्या है उनको सौंपे गए, जो गुलाम होते थे उनको, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि एक अच्छा गुलाम जो है या बढ़िया गुलाम जो अगर मिलता है वो बेटे से भी ज़्यादा गुणकारी और फ़ायदेमंद होता है या बेटे से भी ज़्यादा क्या है उपयोगी साबित होता है अगर एक अच्छा गुलाम मिलता है। तो शुरुआत में क्या है विश्वसनीय सूबेदार या प्रशासकों की ज़रूरत होती थी जो साम्राज्य को संभाल सके। अब क्या है दिल्ली के आरंभिक जो सुल्तान थे इल्तुतमिश जो थे उन्होंने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया, यानी जो सामंत थे या जमींदार थे उनकी जगह क्या है गुलामों को क्या नियुक्त किया गया सूबेदार नियुक्त किया गया, क्योंकि उस समय ऐसा मानते थे कि गुलाम ज़्यादा वफादार होते हैं अपने मालिक के और वो अपने मालिक के अनुसार ही कार्य करते हैं। गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना क्या है इन्हें ज़्यादा अधिक पसंद था। इन गुलामों को क्या है फारसी में बंदगा कहा जाता था, गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था। ये बंदगा जो थे वो अपने शासक के प्रति बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी और विश्वसनीय वफादार हुआ करते थे, जो अपनी सैनिक सेवा के द्वारा अपने शासक को प्रसन्न करके क्या है इस प्रकार के प्रशासकीय पदों पर पहुंचा करते थे। अब क्या है इसीलिए दिल्ली सुल्तान जो थे वो क्या है इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। एक तो क्या है वो पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करते थे साथ ही साथ अपने सैनिक कौशल के द्वारा वो अपने सुल्तान का विश्वास जीतते थे और क्या करते थे उनकी वफादारी हेतु सभी कार्यों को पूरा किया करते थे। अभी देखते हैं खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। यानी शुरुआत में तो क्या है सिर्फ गुलामों को ऊंचे पदों पर बिठाया जाता था, लेकिन अभी क्या है जो खिलजी और तुगलक वंश का प्रशासनिक समय आता है उस समय, यानी ये तो हो गया प्रारंभिक शासक, और ये हो गया खिलजी व तुगलक के समय। यह क्या है गुलामों या बंदका को क्या है प्रशासनिक पद देते थे साथ ही साथ आश्रित लोगों को या जो क्या है निम्न वर्ग के लोग थे उनको भी क्या है ऊंचे प्रशासनिक पद दिए जाते थे जिनकी सहायता से क्या है वो विश्वसनीय प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त करते थे और अपने शासन को क्या है बिना किसी रुकावट के वो क्या है निरंतर रूप से चला सकते थे, जिसमें कई प्रकार की क्या है दुविधा उनको सामना नहीं करना पड़ता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और जो उनके संरक्षक होते थे उनके क्या है वफादार होते थे, लेकिन उनमें क्या है कमी होती थी,
उत्तराधिकारी के बदलने के समय, उत्तराधिकारी बदलने के समय उनके साथ थोड़ी दुविधा होती थी। कैसे कि एक तो क्या है, स्वयं जो गुलाम होते थे वो सिर्फ क्या है अपने संरक्षक के वफादार होते थे या शासक के वफादार होते थे, न कि उनके पुत्र या उनके उत्तराधिकारियों के या उनके उत्तराधिकारियों के। वो क्या है, इनके वफादार नहीं होते थे, वो सिर्फ इनके वफादार होते थे जब क्या है प्रशासन उत्तराधिकारियों को बदलता था, या क्या है जब उत्तराधिकारी बदलने का समय आता था तो उस समय क्या है ये गुलाम जो थे वो इनको मारकर स्वयं शासक बनते थे, या फिर जो नए उत्तराधिकारी थे, नए उत्तराधिकारी होते थे उनके स्वयं के क्या है नए वफादार लोग होते थे। तो जो पुराने प्रशासकीय पदाधिकारी होते थे, पदाधिकारी, और जो नए होते थे उनमें हमेशा क्या है टकराव रहता था, भेदभाव रहता था, जो क्या है शासन के नियंत्रण को कमजोर करने का एक कारक अवश्य बनता था। और जो फारसी तवारीख के लेखक है वो निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए सुल्तानों की आलोचना भी किया करते थे। इसके अलावा जो अमीर वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग या ऊंचे वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग को ऊंचे पदों पर स्थापित करने के कारण शासक या सुल्तान की आलोचना किया करते थे, वो सुल्तान को बुरा भला या क्या है अविवेकहीन या राजनीतिक विवेक खोया हुआ या जिसका राजनीतिक विवेक नष्ट हो चुका हो, इस प्रकार की बातें उसके लिए कहा करते थे। पहले सुल्तान ही की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या है सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार बनाया। अभी क्या है ये तो हमने देखा कि किस प्रकार के लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था, अब देखते हैं कि पदाधिकारियों को स्थापित किस प्रकार से किया जाता था या उनको संचालन किस प्रकार से होता था वो देखते हैं। तो शुरुआत के जो शासक थे इल्तुतमिश वगैरह, उनकी तरह ही अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के और तुगलक वंश के शासक थे, उन्होंने क्या है प्रारंभ में तो पुराने सुल्तान के अनुसार ही छोटे छोटे या भिन्न आकार के इलाकों का सूबेदार बनाया था, सूबेदार नियुक्त किया था इन लोगों को, जो क्या है यहाँ पर नियुक्त होते थे सूबेदार के रूप में। ये इलाके क्या है इकता कहलाते थे, इन इलाकों को क्या कहते थे इकता, इन क्षेत्रों को इकता कहते थे। और इनको इकता को संभालने वाले कौन होते थे, इक्तदार या मुक्ति कहते थे, इकता संभालने वाले कौन होते थे इकतादार या इकतादार या मुक्ति उनको कहा जाता था। अब मुक्ति का कार्य क्या होता था, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इकतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों के राजस्व की वसूली करते थे। अब देखिए क्या क्या कार्य क्या क्या थे इकता के, इकतादारों के, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना,
नेतृत्व करना, कानून व्यवस्था, एकता के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना और वेतन के बदले राजस्व वसूलना, राजस्व से इकट्ठा हुए राजस्व से सैनिकों की तनख्वाह देना। इस प्रकार के जो कार्य थे वो इक्तदार स्वयं किया करते थे, तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था, लेकिन इनका जो वंश पद था वो वंश परंपरा से नहीं था या नहीं चलता था, वंशानुगत पद नहीं था। वंशानुगत यानी पिता अगर इकतादार है तो उसका पुत्र जरूरी नहीं होगा कि वह पुत्र भी क्या है इकतादार होगा। वंशानुगत पद नहीं था उनका, यहाँ तक कि समय समय पर उनको उनके क्षेत्र या एकता बदल दिए जाते थे ताकि क्या है किसी एक एकता पर उनका नियंत्रण बढ़े नहीं। इसके अलावा उनको कंट्रोल करने के लिए ध्यान में रखा जाता था कि निश्चित राजस्व से अधिक राजस्व नहीं वसूला जाए। निश्चित राजस्व से अधिक राजस्व नहीं वसूला जाए। निश्चित सैनिकों की संख्या निश्चित की जाती थी। निश्चित सैनिक संख्या से अधिक सैनिक ना रखे जाएं। इस बात का क्या है जांच होता था। राजस्व की भी क्या है जांच की जाती थी कि ज़्यादा राजस्व वसूल नहीं किया जा रहा, उसको जांच करने के लिए क्या है एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो इस बात की जांच किया करता था कि जो राजस्व है वो ज़्यादा वसूला नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या होता था एक लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। और संपूर्ण राजस्व का लेखा जोखा या हिसाब जो है वह लेखा अधिकारी स्वयं किया करता था ताकि किसी भी प्रकार की क्या है अनियंत्रण का पर भय ना हो। इस प्रकार से क्या है वो नियंत्रण करते थे इन मुक्ता को या अपने अपने क्षेत्रों को। अब क्या है जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने क्या है भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। यानी अभी तक तो क्या है उन्होंने कुछ बड़े क्षेत्रों को ही क्या है अपना निशाना बनाया था, लेकिन अभी क्या है वो भूस्वामी जो गांव में भूस्वामी होते थे या अमीर वर्ग के जो लोग थे उनको क्या है झुकना पड़ा शासकों के सामने या सुल्तान के सामने, क्योंकि अब क्या है वो उन क्षेत्रों पर भी क्या है नियंत्रण करना चाहते थे स्वयं का। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। यानी पहले जो कार्य भूस्वामी का होता था अधिकारी वर्ग या अमीर वर्ग जो करते थे वो कार्य अब अलाउद्दीन खिलजी के समय राजकीय नियंत्रण में आ गया। राजकीय
नियंत्रण में, एक तो क्या है कार्य आ गया पहला तो भू राजस्व का के निर्धारण का और वसूली का कार्य, पहला क्या आया भू राजस्व के निर्धारण, निर्धारण का अर्थ हो गया कि किसान कितना ज़्यादा कर देंगे या भू राजस्व देंगे उसको उसकी राशि निर्धारित की जाती थी, वो निर्धारित राशि कितनी होगी इसका क्या है निर्धारण अब क्या है स्वयं है? शासक करेगा, इस प्रकार का नियम बनाया गया। और इसके अलावा वसूलने का कार्य या जो कर लिया जाएगा वो कार्य भी क्या है राजा स्वयं के अधिकारियों के द्वारा इस कार्य को पूरा करवाएंगे। अभी क्या है ये जो नए नियम लाए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो क्या है वास्तव में प्रभावी नियम थे जिनके द्वारा शासन में क्या है और ज़्यादा सुधार हुआ। अब क्या है ये जो सामंत वर्ग था या भूस्वामी वर्ग था जो पहले स्वयं कर वसूला करता था, वसूलने का कार्य था जिसका, अब वह स्वयं क्या है कर देयता बन गया था, यानी अब उसको क्या है स्वयं को कर देना पड़ रहा था। जो सामंत वर्ग पहले सिर्फ किसानों से टैक्स लिया करते थे वह अब स्वयं क्या है कर अदा करने वाले बन गए थे नए नियमों के अनुसार। अब क्या है सुल्तान ने के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। इसके अलावा क्या कार्य किया गया जमीन की पैमाइश की गई, पैमाइश और हिसाब सावधानी से रखा गया, सावधानी से रखा गया यानी जमीन की नाप तोल पूरी अच्छे तरीके से की गई ताकि उन पर किस प्रकार की पैदावार की जा सकती है, कितनी सिंचाई के लिए क्या आवश्यकता होगी, उन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सके। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब जो पहले क्या है सामंत थे वो फिर से क्या है कर या राजस्व वसूलने के लिए नौकरी करने लगे थे, जो पहले स्वयं कर वसूल किया करते थे अपने लिए। उस समय तीन तरह के कर थे, एक तो कृषि पर, पहला था कृषि पर कर जिसे खराज कहा जाता था, दूसरा मवेशी पर और तीसरा घरों पर टैक्स लगाया जाता था। तो इस प्रकार के क्या है तीन टैक्स हुआ करते थे। जो उपज पर लगाया जाता था खेती की, वो खेती की उपज का 50% यानी उपज का 50% टैक्स खराज के रूप में लिया जाता था। यानी मान लीजिए किसी के यहाँ 2 क्विंटल अनाज हुआ है तो उसमें से 1 क्विंटल क्या होगा टैक्स के रूप में शासक के पास जाएगा। तो इस प्रकार के क्या है अलाउद्दीन खिलजी के समय सुधार किए गए। सुदूर प्रांतों पर भी क्या है बंगाल जैसे दूर के प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण की विजय के पश्चात क्या है धीरे धीरे ये संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का भी क्या है नष्ट होना शुरू हुई थी। लेकिन क्या है जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसकी तारीफ क्या है जो पुरातत्वविद हैं वो भी करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या है बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। इसके अलावा भी कई सुधार किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जिनके बारे में अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए क्या है यहाँ के भागों को आप पढ़िए, उनको याद कीजिए, इनके साथ साथ इनके नोट्स बनाए जैसे मैंने लिखवाए थे उसके हिसाब से और इनको याद कीजिएगा। धन्यवाद।